Hello students, welcome back. Continuing the chapter 7, air conditioning and psychrometry. So we have already discussed what is psychrometry, what is air conditioning, psychrometry और वातानुकूलन हम लोग पहले discuss कर चुके हैं. अब हम आ जाते हैं हमारे psychrometric terms पे, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं psychrometry की शब्दावली. अब इसमें जो पहला term आपका आता है, वो है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, और इसे हम TD से भी रिप्रेजेंट करते हैं. हिंदी में हम इसे कहते हैं शुष्क बल्ब तापमान. शुष्क बल्ब तापमान, ड्राई बल्ब टेम्परेचर. तो ये क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड डायरेक्टली बाय अ थर्मामीटर विदाउट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. तो ये किसी भी एक साधारण थर्मामीटर से हम जो तापमान मेजर करते हैं, जिसमें जल वाष्प जो एयर में है, हवा में है, वायु में है, उसका कोई प्रभाव ना पड़े, वो टेम्परेचर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है. अब ड्राई की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग डायरेक्टली जो एयर है उसका टेम्परेचर आपका मेजर कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपके जो थर्मामीटर यूज होते थे वो आपके मर्करी थर्मामीटर यूज होते थे. तो पुराने थर्मामीटर अगर आपने देखे हों तो उनके एंड पे आपका बल्ब रहता था जिसमें मर्करी फिल्ड होती थी. अब ये टेम्परेचर हम डिजिटली भी मेजर कर सकते हैं. तो मगर क्योंकि इनिशियली हम लोग इसको आपका मर्करी थर्मामीटर से मेजर करते थे, इसलिए इसका नाम आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं. तो किसी भी साधारण थर्मामीटर से, एक नॉर्मल थर्मामीटर से डायरेक्टली मेजर होने वाला टेम्परेचर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. हमारा अगला पॉइंट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उसांक तापमान. इसको हम शॉर्ट में DPT या TDP से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर व्हेन कूल्ड एट विच वाटर वेपर स्टार्ट्स टू कंडेंस रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोमीटर. यह तापमान वायु को ठंडा करने पर, जिस तापमान पर ओस गिरती है, या हम ये कह सकते हैं कि जल वाष्प का संघनन होने के बाद वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम ओसांक तापमान या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं. तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए हमें जो एयर होती है उसे कूल करना पड़ता है, यानी कि ठंडा करना पड़ता है. तो ये हम लोग ने नॉर्मली भी देखा है कि अगर हमें कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो या फिर आपकी कोल्ड वाटर बॉटल हो, तो उसके बाहर आपका पानी आ जाता है. तो उसका रीजन यही होता है कि उसका का जो अंदर का तापमान है, यानी कि टेम्परेचर है, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो ओस जो के फॉर्म में, जो आपका हम जाड़े में भी देखते हैं कि ओस गिरती है, तो ओस भी तभी गिरती है जब तापमान क्या होता है, आपका कम होता है, यानी कि टेम्परेचर डाउन होता है. देयरफॉर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम सिंपली कह सकते हैं कि एयर यानी वायु को कूल करने पे, ठंडा करने पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर कंडेंस होने लगे, यानी कि जल वाष्प का संघनन होने लगे, उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी ओसांक तापमान कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आर्द्र बल्ब तापमान. इसे हम WBT यानी TW से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेट बल्ब टेम्परेचर यानी आर्द्र बल्ब तापमान को समझने के लिए आपको पहले एयर का वाटर वेपर के थ्रू सैचुरेशन समझना पड़ेगा, यानी वायु का जल वाष्प द्वारा संतृप्ति. तो एयर में जो जल वाष्प होता है उसकी एक मैक्सिमम क्वांटिटी होती है जो वो होल्ड कर सकता है, यानी कि वायु में जल वाष्प की मात्रा एक लिमिटेड अमाउंट में, एक सीमित अमाउंट में ही रह सकती है. तो जब ये मात्रा यानी क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. तो अब जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, इसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, यानी कि किस टेम्परेचर पे जो एयर है वो सैचुरेट हो जाएगी. तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक थर्मामीटर लेते हैं, और उसका जो बल्ब वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ से आपकी जो मरकरी जिसमें रहती है, उसको हम एक भीगे कपड़े से ढक देते हैं, या फिर एक वेट क्लॉथ से या कॉटन से कवर कर देते हैं. उसके बाद हमें या तो उसके ऊपर एयर ब्लो करनी पड़ेगी, या फिर हम क्या करें, थर्मोमीटर को ही रोटेट करें.
तो इसके लिए हम लोग स्लिंग थर्मोमीटर भी यूज करते हैं, जिसका एक एंड हम क्या कर सकते हैं, फिक्स करके उसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें वही होता है कि जब हम इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो उसमें हवा तेजी से क्या होगी, आपकी पास होगी। अब हवा पास होने की वजह से उसमें जो वाटर है, लिक्विड है, वो क्या करेगा, आपका एवेपोरेट करेगा। तो लिक्विड एवेपोरेट करने के लिए जो हीट लेगा वो थर्मोमीटर से लेगा, तो उस के हीट लेने की वजह से जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर होगा वो आपका कम हो जाएगा। यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे थर्मोमीटर का होगा, जो एयर का टेम्परेचर वो रिकॉर्ड करेगा, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, जो कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। और उसके बाद जब हम उसमें एयर फ्लो कराएंगे या फिर थर्मोमीटर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसका टेम्परेचर वाटर के एवेपोरेट होने की वजह से, यानी कि जल के वाष्पीकृत होने की वजह से जितना कम हो जाएगा, है ना, वो मिनिमम टेम्परेचर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि आर्द्र बल्ब तापमान हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जितना मैक्सिमम उस इसको घुमाने पे आपका वाटर उसमें से क्या हो गया, एवेपरेट हो गया। ठीक है, तो उसके वजह से जितना टेम्परेचर आपका डाउन हुआ, तो वाटर उतना ही एवेपरेट होगा या वाष्पीकृत होगा जितना जो एयर है उसकी सेचुरेशन यानी संतृप्त की कैपेसिटी है। क्योंकि सपोज करिए एयर ऑलरेडी सेचुरेटेड है, तो कोई भी वाटर आपका एवेपरेट नहीं होगा, तो उस केस में हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, शुष्क बल्ब तापमान और वेट बल्ब टेम्परेचर यानी आर्द्र बल्ब तापमान सेम हो जाए।